इस बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से, सुभाषपा कर सकती है बड़ी सेंधमारी। आज कई नेता सुभाषपा में हो सकते हैं शामिल, 10 अलग अलग दलों के नेता होंगे शामिल, एक रिटायर्ड आईपीएस अफसर भी हो सकते हैं शामिल। सपा के कई नेता थाम सकते हैं सुभाषपा का दामन। 11 बजे सुभाषपा की समीक्षा बैठक होगी, समीक्षा बैठक में घोसी उपचुनाव पर भी चर्चा होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो सुभाषपा से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पर सुभाषपा में आज कई नेता शामिल हो सकते हैं, आज कई सपा नेता भी सुभाषपा में शामिल हो सकते हैं। पूर्वांचल में अपने जनाधार को बढ़ाने की कोशिश में है सुभाषपा, एक रिटायर्ड आईपीएस अफसर भी सुभाषपा का दामन थाम सकते हैं। समीक्षा बैठक में घोसी उपचुनाव पर विवेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार अपडेट के साथ जुड़े। विवेक, सुभाषपा में बताया जा रहा है कई नेता आज शामिल हो सकते हैं, लगातार सुभाषपा अपना कुनबा बढ़ा रही है जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, सुभाषपा कुनबा बढ़ा रही है और निशाने पर है समाजवादी पार्टी। ये जो आज नेता शामिल होने वाले हैं सुभाषपा में, वो ज्यादातर समाजवादी पार्टी के हैं और कई प्रदेश स्तरीय नेताओं को उन्होंने तोड़ने का दावा भी किया है, चाहे अरविंद राजभर हो, अरुण राजभर हो या ओपी राजभर हो, तीनों जो प्रमुख सुभाषपा नेता हैं उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता शामिल होंगे, रिटायर्ड आईपीएस अफसर भी। पिछली बार जब सुभाषपा ने लोगों की ज्वाइनिंग कराई थी तो उसमें कई आईपीएस अफसर थे, कई पुलिस के अधिकारी थे रिटायर्ड जो शामिल हुए थे, और एक बार फिर उन्होंने रिटायर्ड आईपीएस अफसर को मुद्दा बनाया है कि उनको लेकर आएंगे। यानी एक पढ़ा लिखा तबका, उस समाज का तबका जो बड़ा उस वर्ग से आता है जिस वर्ग के लोग बहुत ज़्यादा ऊंचे पदों पर नहीं जा पाते, एक मैसेज देने की कोशिश है कि इस वर्ग से भी जो बड़े लोग हैं, जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं या उनके जो जातीय समीकरण है उसमें फिट बैठ रहे हैं, उनको शामिल करने के लिए आज बड़ा कार्यक्रम होगा। सुभाषपा के पार्टी कार्यालय में ज्वाइनिंग होगी सुबह 10 बजे, उसके बाद 11 बजे इनका एक बड़ा सम्मेलन भी होगा, प्रदेश स्तर की एक कार्यकारिणी की मीटिंग होगी, उसमें सभी जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं उनको बुलाया गया है, मुद्दों पर चर्चा होगी, घोसी उपचुनाव को लेकर रणनीति बनेगी कि कैसे घोसी उपचुनाव में जीत हासिल करनी है, क्योंकि सुभाषपा अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गई है। ओम प्रकाश राजभर बीते दिनों अमित शाह से भी मिले थे, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी से भी उनकी मुलाकात हुई थी, तो अब मुद्दा यह है कि किस तरह से पूर्वांचल में वो अपना जनाधार बढ़ाएंगे। घोसी उपचुनाव में लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, दारा सिंह चौहान कभी सुभाषपा के साथ हुआ करते थे, अब वो उनको जिताने के लिए पूरी ताकत लगाएगी और पूर्वांचल की कई सीटों पर अपना उन्होंने होमवर्क किया है, एक अच्छा काम किया है, और कहीं ना कहीं लोकसभा भी चुनाव नजदीक है तो अपनी ताकत को मजबूत करके और बीजेपी पर भी दबाव बनाएगी कि ज्यादा से ज्यादा लोकसभा की सीटें ली जाए। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं।